स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या, ट्रंप की चुप्पी पर हिलेरी ने उठाए सवाल। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछले हफ्ते कंसास में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या के बाद घृणा अपराध के खिलाफ बोलने का आह्वान किया है। हिलेरी क्लिंटन ने ट्विटर पर कहा कि डर और घृणित अपराधों में वृद्धि हो रही है, उन्हें इस पर कदम उठाना चाहिए और बोलना चाहिए। ट्रंप ने अभी तक पिछले बुधवार की रात को हुई गोलीबारी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। घृणा अपराध के तहत की गई गोलीबारी में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुची भोटला की मौत हो गई थी और एक भारतीय आलोक मदसानी सहित दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने पिछले सप्ताह कहा था कि इस घटना को घृणा अपराध कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। स्पाइसर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में भी गोलीबारी का जिक्र किया। वो सेंट लुइस और फिलाडेल्फिया में यहूदी कब्रिस्तानों को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त करने की घटना पर राष्ट्रपति की चिंताओं को व्यक्त कर रहे थे। अमेरिका में किसी को भी स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर अपनी पसंद के धर्म का पालन करने में डर महसूस नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के इस सिद्धांत के संरक्षण के लिए समर्पित हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि मैं कानूनी एजेंसियों के कहने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कंसास में हुई गोलीबारी के बारे में पूछा गया। हालांकि घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी अभी धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन कंसास से मिली शुरुआती खबरें परेशान करने वाली है। इस बीच इंजीनियर श्रीनिवास कुची भोटला का शव सोमवार देर रात हैदराबाद में उनके घर पहुंच गया। इधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में गोलीबारी के दौरान बीच बचाव करने वाले अमेरिकी नागरिक के जल्द ठीक होने की कामना की है और कहा है कि भारत उनकी बहादुरी को सलाम करता है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विवाद के बाद गुरमेहर कौर ने अभियान से वापस लिया नाम। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में भीषण आग। दिग्विजय सिंह पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज। LIC एजेंट होंगे डिजिटल, मिलेगी POS मशीन। और मोदी की रैली में विस्फोट की धमकी का फर्जी कॉल करने वाला युवक गिरफ्तार।